हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मोनिका खर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे नए चैनल पे माय लिगेसी। मेरा नाम है मोनिका और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एक बच्चे की मदर हूँ। मेरे पास एक बेटा है। तो मेरा जो अपना चैनल बनाया और उसका नाम रखने का पर्पज़ है, माय लिगेसी का मतलब होता है कि हम आगे वाली नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर क्या छाप छोड़ रहे हैं, जो हमारी खुद की। हम लोग अभी बाहर कहीं आए हुए थे लंच पे, तो आपको मेरे चैनल पे देखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। आपको होम टिप्स मिलेंगे कि आप अपने घर को कैसे मेंटेन करें, कुकिंग वीडियोस दिखेंगी और कहाँ कहाँ पे हम ट्रैवल करते हैं, क्या क्या करंट टॉपिक्स चल रहे हैं इस जनरेशन के रिगार्डिंग। तो इस तरह की आपको मेरे चैनल पे टॉपिक्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने चैनल मेनली ना लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ जर्नी और मेरी लाइफ में क्या थिक एंड थिन रहे हैं उनके रिगार्डिंग बनाया कि ताकि मैं लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ। क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में कहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा बातों नहीं काफ़ी ज़्यादा बात करती, क्योंकि मेरा प्रोफेशन भी है। मैंने मैथ्स एम एस सी करी है, बीएड करा है। तो बिफोर मैरिज मैं टीच करती थी, तो फिर जब हस्बैंड के साथ बाहर रहने लगी तो वहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं जॉब कर पाऊँ। और फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए, फिर बेटा हो गया, तो बेटे को पालने में अभी टाइम निकल गया कि ये अभी मुझे लगा कि ना 4-5 साल का एटलीस्ट अपने बच्चे को, जो स्टार्टिंग पीरियड होता है ना, एटलीस्ट 5 साल में अपने बच्चे को टाइम देना चाहिए। क्योंकि ये जो उसका चाइल्डहुड पीरियड है वो वापस नहीं आएगा। कमाने के लिए बहुत समय पड़ा आपके पास, आपका नॉलेज है। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा सिर्फ अगर आप जॉब ही कर रहे हो तभी आप एजुकेटेड माने जाओगे या तभी आपका नॉलेज है। जो मुझे पर्सनली जानते हैं, क्योंकि जो मेरे को हरियाणा से जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं किस तरह के लाइफस्टाइल को फॉलो करती हूँ। तो इस चैनल पे आपको लाइफस्टाइल से लेके हेल्दी टिप्स, होममेड टिप्स, काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। और अब तक जो मेरे भी स्टार्टिंग के न्यूली सब्सक्राइबर, आई थिंक 40-41 अभी हो गया, मुझे 10 दिन हुए अपना चैनल स्टार्ट करे, उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि आई थिंक आप ही लोग हो जो किसी भी एक आम जनता ही है जो किसी भी इंसान को स्टार बनाती है। कोई भी स्टार बन के पैदा नहीं हुआ है, लेकिन किसी को अगर कोई पसंद करता है तो शायद उसकी कुछ गुण देख के ही पसंद करता हो। शायद आप लोगों को मेरी कोई क्वालिटी या गुण पसंद आएंगे जिसको देख के आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और मुझे लगता है ना, अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं होती, जब काम दिखता है ना तो लोगों को खुद पता लग जाता है कि किस तरह की पर्सनैलिटी है, कौन है, क्या कर रहा है। तो मैं इसमें नो डाउट पूरी मेहनत करूँगी अपने चैनल पर आप लोगों को एंटरटेन करने की और अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करने के लिए, लोगों के भी दुख सुख सब सुनना चाहूँगी। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहेगा और मेरा भी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग करी है। आई होप और आई विश आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।